The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, female reproductive system में एक cyst, cyst का मतलब एक पानी भरा गुब्बारा, एक sac, एक pocket है, पानी होगा या कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर, फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड भरा, वो एक सिस्ट होता है जो कि आपके नीचे ओवरीज, आपके यूट्रस और उनके एरिया के पास है। ज़्यादातर मोस्ट कॉमन सिस्ट आपके ओवरीज में होता है, ओवेरियन सिस्ट होता है, ओवरी के सरफेस में होता है, ये ओवरी उसके ऊपर ये एक सिस्ट, ऐसा ओवरी के ऊपर सिस्ट, ऐसा सिस्ट बन जाता है, राइट। और कई बार देखिए, एक फीमेल के अंदर दो ओवरीज होती हैं और दोनों के दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम शेप और साइज़ की होती है, एक आलमंड या बादाम जो भी बोलो, आलमंड के शेप की होती है, दोनों साइज़ के इतना टिचिक टिचिक, राइट। और ये ओवरीज जो होती हैं उसमें उसका काम है हर महीने एक एग बनाना, जो हर महीने डेवलप होता है, मैच्योर होता है और मंथली साइकिल के हिसाब से रिलीज होता है और मेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो इम्प्लांट नहीं होता तो आपको आ जाते हैं मेंसेस हर महीने आपकी चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर, ठीक है, आप ऑब्वियसली जब आपका पीरियड्स आने शुरू होते हैं और जब ख़त्म होते हैं तब बंद। और हो क्या जाता है, कई लोगों को ऐसे जो ओवरीज में ये जो साइकिल है, ये जो एग है, ये रिलीज नहीं हो पाता, ये अंदर ही अंदर ग्रो करता जाता है, अंदर ही अंदर ग्रो करता जाता है, दैट कॉजेज अ सिस्ट, राइट। और ये सिस्ट एक ही कारण नहीं, और भी कारण है, बट वन ऑफ द रीजन इज दिस। और सिस्ट बेसिकली क्या होता है, इससे ओवरी के ऊपर एक गांठ, एक फ्लूइड फील्ड सैक, एक गुब्बारा बनता जाता है आपके ओवरीज के ऊपर, जो पहले तो कोई दिक्कत नहीं करता, है ना, और कोई पेन नहीं करता, कोई हार्म नहीं होता, कोई ऐसी मेजर जान का खतरा नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में ये जो सिस्ट है अपने आप ही अगले कुछ महीनों में, एक या दो या तीन महीनों में, जैसे जैसे मेंसेस होंगे, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, ये बेसिकली एक ओवरियन फॉलिकल जो है बड़ा होता गया, बड़ा तो गया, निकला नहीं तो निकल गया तो ख़त्म हो गया। ज़्यादातर केसेस में बिना किसी ट्रीटमेंट, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के सिस्ट ठीक हो जाएंगे। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे कि दो महीने बाद फिर अल्ट्रासाउंड करा के देखना, सिंपल। लेकिन कुछ केसेस में जब ये सिस्ट सीरियस हो सकते हैं, उसका क्या मतलब सीरियस, मतलब कुछ केसेस में अगर सिस्ट फट गया तो वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, या फिर वो सिस्ट कुछ और पोटेंशियल सीरियस, उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई, उसके अंदर कोई घाव हो गया, कोई चोट लग गई, ऐसे कुछ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें सिस्ट में जो नहीं जा रहा, दो महीने बाद भी नहीं जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, 10 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, या इतना बड़ा हो गया सिस्ट, जी हाँ, इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं सिस्ट, या बड़े बड़े भी हो जाते हैं किसी किसी के, रेयरली बट होते हैं, राइट। सो ऐसे में फिर क्या होगा, आपको पेन होना शुरू होगा आपके लोअर एब्डोमेन में, जब इतनी बड़े सिस्ट, इतनी बड़ी गांठ है, तो एक डल सा पेन होगा, जो क्योंकि सब चीज़ों को दबा रहा है, राइट। सो डल लोअर एब्डोमेन पेन शुरू होगा, लोअर एब्डोमेन में फुलनेस, भारी भारी सा महसूस होगा, ब्लोटिंग आसानी से होने लग जाएगी। तो ऐसा कुछ हो रहा है या कभी दर्द एकदम से बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, वो एग्जामिन करेंगे। कई बार पेट का एग्जामिन करने पर ही हमको सिस्ट हाथ में फील हो जाती है, कई बार अल्ट्रासाउंड में दिख जाती है, वेरी सिंपल, राइट। अगर आपको सिस्ट सिस्ट में एकदम कुछ सीरियस फट गया, कुछ ऐसी कुछ हुई, तो आपको एकदम डीप ब्रीदिंग, एकदम उल्टी आना, लाइट हेडनेस, वीकनेस, चक्कर आना, ऐसा हो जाएगा, फिर तो आप हॉस्पिटल जाओगे ही जाओगे। सो एक कारण वो हो सकता है, रेयरली होता है, अगेन बता रहा हूँ, डरने वाली बात नहीं है। फिर अल्टीमेट कारण, भाई ये हुआ क्यों, सिस्ट होती है तो क्यों होती है। सबसे कॉमन मैंने बताया फंक्शनल सिस्ट होती है, फंक्शनल मतलब क्योंकि वो फंक्शन सही से नहीं हुआ, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है वो फॉलिकल बाहर नहीं निकला, उसने एग बाहर नहीं छोड़ा, अंदर ही अंदर फॉलिकल बड़ा होता गया, राइट, उसका काम है, तो वो फॉलिकल बड़ा होता गया फॉलिकुलर सिस्ट बन गया, राइट। नॉर्मली ये फॉलिकल्स का काम है आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाना, ताकि वो एग जो है वो रिलीज हो जाए, राइट। नॉर्मली हर साइकिल में फॉलिकल बढ़ता जाता है, और ये एक जो अगर ऐसा बढ़ेगा तो फंक्शनल सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट होगा। इसमें क्या होता है, आपके साइकिल के मिड पॉइंट में 14 दिन के आसपास जो एग है वो उसमें से अंदर की तरफ बर्स्ट होता है, फॉलिकल फूट जाता है, और जो वो एग है वो फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकल के जाता है, और वहाँ पर जाके आपका वहाँ पे उसको कोई वो नहीं मिलता, स्पर्म नहीं मिलता एक दो दिन में, तो जय हो वो फिर रिलीज हो जाता है, आपको मेंसेस फिर वो एम्बेड नहीं होता, थोड़े दिन बाद आपको मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, राइट।
और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट नाम की भी एक चीज़ होती है। फॉलिकुलर सिस्ट एक टाइप हुआ, अलग अलग टाइप के फिर सिस्ट होते हैं, हम बात करते हैं क्या क्या सिस्ट होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट वो क्या होता है, जब फॉलिकल एग रिलीज कर चुका हो तब कायदे से फॉलिकल को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार एग रिलीज हो जाने के बाद वो फॉलिकल जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है कि कंसेप्शन, उसको लगता है कि ठीक है वो एग को स्पर्म मिलेगा ही मिलेगा, हर बार उसका दिल टूटता है, हर बार आप ऐसी होता है ठीक है, सो हर बार उसका दिल टूटता है और वो जाके फिर एग जो है वो वेस्ट हो जाता है अल्टीमेटली। सो फॉलिकल को क्या लगता है कि वो बनेगा ही बनेगा, हर बार उसको स्पर्म मिलेगा, इसलिए वो हर बार ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। तो इसको हम फॉलिकल रप्चर होने के बाद उसको जो बचा उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कई बार क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ही बहुत सारा फ्लूइड जमा होने लग जाता है और यही बड़ा बड़ा होते जाता है और सिस्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। मतलब अगर सिस्ट है, सिस्ट के अंदर एग गया तो फॉलिकुलर सिस्ट, एग नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, सिंपल। ये दोनों ही तरीके के सिस्ट जो है रेयरली दिक्कत करते हैं, दोनों को हम फंक्शनल सिस्ट बोलेंगे और इससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता या 2 से 3 महीने में अपने आप मेंसेस आके निकल जाते हैं, समझ गए, कोई टेंशन नहीं। फिर दूसरे और टाइप के सिस्ट हो सकते हैं, अदर टाइप्स ऑफ सिस्ट जो कि नॉर्मल फंक्शनल सिस्ट में नहीं आते, जैसे कि एंडोमेट्रियोमास, डर्मोइड सिस्ट, सिस्टेडर सिस्टरोमास, ऐसे भी होते कुछ कुछ। तो डर्मोइड सिस्ट क्या होता है, ये एक, इसको टेराटोमा भी बोलते हैं, टेराटोमा। ये क्या है, ये एक अलग तरीके का कैंसर है, जी हाँ ये कैंसर है, कैंसरस होता है, रेयर कैंसर है डर्मोइड सिस्ट, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के सेल ग्रो करने लग जाते हैं। जी हाँ वो सिस्ट है ओवरी के आसपास या यूट्रस में कहीं पर, वहाँ पर स्किन के सेल ग्रो हो रहे हैं, दांत ग्रो हो रहे हैं, कोई एम्ब्रियोनिक सेल ग्रो हो रहे हैं, उल्टे सीधे हेयर सेल ग्रो हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब डर्मोइड सिस्ट में अजीबोगरीब चीज़ें ग्रो होती हैं। सो ये एक तरीके का कैंसर है, इसको निकालना पड़ेगा, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दिखेगा ऑपरेशन, और कुछ सोचना नहीं इसके बारे में, ठीक है, जितनी जल्दी ऑपरेशन उतना रिस्क फ्री, कोई टेंशन नहीं, ऑपरेशन हुआ ख़त्म, टेंशन नहीं, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताया, एक होता है सिस्टा डमोना, डमोना अरे क्या है अजीब सा इसका वो है, ये क्या है, ये भी ओवरीज के सरफेस में होता है और इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस या वाटर हो सकता है, एक तरीके का सिस्ट है ये भी, मगर लेकिन फंक्शनल सिस्ट नहीं है, दूसरे टाइप का, ठीक है, तो ये भी ऑपरेट करना पड़ सकता है बड़ा हुआ तो। और एक होता है एंडोमेट्रियोमास, ये क्या होता है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, यूट्रस के अंदर एक अंदर की लाइनिंग होगी, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर अगर सेल ग्रो कर गए, जो एंडोमेट्रियम यूट्रस में ग्रो करना चाहिए, कई बार ये यूट्रस से बाहर ओवरीज के ऊपर, ओवरीज के लाइन में कई बार वो फैलोपियन ट्यूब के ऊपर कुछ भी होता है नीचे, जी हाँ वो एरिया ग्रो वाला, वहाँ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं जस्ट किडिंग, मतलब वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे एंडोमेट्रिया बन सकता है। सो कई बार ये टिश्यू ओवरीज को अटैच करके ग्रो करने लग जाता है, उसको एंडोमेट्रियोमास बोलते हैं, अगेन दे कैन कॉज प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में, उसको भी कई बार ऑपरेट करना पड़ता है। तो डर्मोइड सिस्ट हो या सिस्ट एडिनोमास हो, ये बड़े बड़े बन सकते हैं और कई बार इसके साथ ओवरीज को भी निकालना पड़ सकता है और ये ओवरीज को धक्का मार सकते हैं, राइट, और इसके वजह से पेन हो सकता है, ओवरीज ऐसी घूम सकती है, ओवरी अगर घूम जाए, मान लो ओवरी है, ओवरी अगर एक ऐसी ओवरी, ओवरी में एक उसका लगा हुआ उसका धागा होता है जो भी कॉर्ड होता है ओवरी के अंदर, कॉर्ड, तो ओवरी घूम जाएंगी तो कॉर्ड भी घूमेगा, तो कॉर्ड घूम के ऐसे ऐसे सर्कल है, उसका गर्दन टॉर्जन हो सकता है, टॉर्जन गर्दन मरोड़ जाएगी, गर्दन तो बहुत दर्द होता है, ओवरी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो सकता है, ओवरी को फांसी लग सकती है, वो एक सीरियस कंडीशन है टॉर्जन ऑफ ओवरी, ये एकदम से आपका ब्लड सर्कुलेशन ओवरी में रुकेगा, इमरजेंसी सिचुएशन, आपको ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो ये एक रेयर चीज़ है बट आपको समझना पड़ेगा, ये अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगी अगर ऐसा कुछ होगा तो अल्ट्रासाउंड करा लो। अब किसको होगा किसको नहीं होगा, रिस्क किसको किसको नहीं, वेरी सिंपल, जिसको हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसको तो उसको होगा, जो लोग कोई फर्टिलिटी ड्रग ले रहे हैं क्लोमिफिन साइट्रेट क्लोमिड जैसे, उसको हो सकता है, जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के बाद कई बार सिस्ट बन सकते हैं या प्रेगनेंसी के दौरान बन सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस अगर एंडोमेट्रियम है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो हो सकता है, कई बार नीचे के साइड का पेल्विक इन्फ्लामेशन है तो भी हो सकता है, और जिसको पहले सिस्ट हो चुका है उसको चांसेस होते हैं आगे सिस्ट होने के। सो मैंने एक कॉम्प्लिकेशन तो बता दिया आपको कि ओवरियन टॉर्जन हो सकता है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है रप्चर, राइट, टॉर्जन और रप्चर, ये दो मेन कॉम्प्लिकेशन है जो आपको समझने हैं
राइट, और इसका साइज हर 2 महीने में चेक करना होता है गायनेकोलॉजिस्ट से और अल्ट्रासाउंड से। प्रिवेंशन, क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो भाई अपने आप या तो निकल जाएगा, फॉलिकुलर फंक्शनल होगा, नहीं अपने आप निकलेगा तो ऑपरेट करना पड़ेगा, कौन और दवा ना ही आहित। ओके, और प्रिवेंशन, ऑल्दो देयर इज नो वे टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ ओवेरियन सिस्ट, आप रेगुलर पेल्विक एग्जामिनेशन, रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आप रेगुलर अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो और मेक श्योर कर सकते हो कि आपके हार्मोन इंबैलेंस ना हो, आप वजन सही मेंटेन करें, लाइफ सही रखें, राइट। अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होती है तो डॉक्टर को दिखाए, राइट। एक दो साइकिल मिस हो रही है तो दिखाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो ये इट्स ऑल अबाउट रेगुलर मॉनिटरिंग एंड केयर, राइट। फॉलिकुलर सिस्ट और ओवेरियन सिस्ट और ऑल दिस सिस्ट आर नॉट अ बिग इशू इफ यू नो, इफ यू गेट प्रॉपर गाइडेंस, राइट। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो दिस कंक्लूड्स एवरीथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट फॉलिकुलर सिस्ट और ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। और कोई सवाल है तो लिखिए, बाकी हम हैं बढ़िया आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे एज यूजुअल। और लाइक का बटन दबाना है भैया, ताकि आप का जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड किया जाए। जी हाँ, जब तक लाइक नहीं करते तब तक रिकमेंड नहीं होता, जब तक आप करेंगे तो करेंगे नहीं, ठीक है। सो मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, थैंक यू सो मच, टेल मी योर क्वेश्चंस।